नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी वर्सेस। दोस्तों अभी हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई है, काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट है आईटी प्रोफेशनल्स के लिए। वेब डिज़ाइनर, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट जापान में टोक्यो में आईटी कंपनी के लिए है। पोजिशन का नेम रहेगा वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर, और कैंडिडेट को कम से कम 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल से लेकर 7 साल के बीच में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनको एक्सपीरियंस जावा, रूबी, पीएचपी एंड पाइथन पर काफ़ी अच्छी कमांड होना चाहिए, राइट? एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 48 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22 से लेकर 48 तक की ईयर के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें स्किल लोगों की रिक्वायरमेंट है, ऑब्वियसली ECNR पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? और इसमें कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 3 साल का रहेगा, 3 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 1+1+1, राइट? 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद में कंपनी 5 साल के लिए अगेन उसको रिन्यू कर देगी 5 ईयर के लिए। और इसमें जो प्रोसेस रहेगी, प्रोसेस 90 डेज के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, 90 to 120 डेज के अंदर। वैसे प्रोसेस 90 से 100 डेज के अंदर कंप्लीट होने के चांसेस रहेंगे। इसमें CV सिलेक्शन के द्वारा सिलेक्शन होगा, और इसमें जो सैलरी होगी, सैलरी काफ़ी अच्छी सैलरी है। सैलरी $1800 से लेकर $4200 तक के बीच में सैलरी होगी, सैलरी जो कि काफ़ी हैंडसम सैलरी है। $1800 से लेकर $4200 के बीच में सैलरी होगी, ये बेसिक सैलरी होगी, और उसमें ओवरटाइम अलग से मिलेगा। दोस्तों प्रोसेस, इसमें वैकेंसी हमारे पास सिर्फ 10 है, और प्रोसेस कैसे होगी? पहले कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा, शॉर्टलिस्टिंग होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर सिलेक्शन होगा, ऑफर लेटर आएगा, उसके बाद एक वीज़ा के लिए एक लेटर आएगा, और उसके बाद कैंडिडेट का एम्बेसी में इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद में उसके पासपोर्ट पे वीज़ा का स्टैंपिंग लगेगा, उसके बाद टिकट होगा, फ्लाइट होगा, बंदा ट्रैवल कर जाएगा, राइट? ये प्रोसेस है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। इसमें लाइक जापानी आना कंपलसरी नहीं है, बट बंदे को इंग्लिश में कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। दोस्तों रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 लोगों की है, और सैलरी काफ़ी हैंडसम है, एंड आईटी के लिए इस टाइप की वैकेंसी बहुत कम आती है। इसलिए जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड है वो अपने डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक कलर स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो एज वेल एज फुल साइज फोटो, रिज्यूमे वर्ड फॉर्मेट में, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट आप हमें हमारी ईमेल आई डी vimlesh.gautam@triplebovercies.com पर भेजें। दोस्तों इसमें अगर कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें डे टाइम में, ऑफिस टाइम में कॉल कर सकते हैं। ऑफिस का टाइम 10 से लेकर 7 बजे तक का होता है, राइट? प्रोफाइल के बारे में अगेन बता दूं कि कैंडिडेट को जावा, रूबी, पीएचपी एंड पाइथन पर स्ट्रॉन्ग कमांड होना चाहिए, उस पर बहुत अच्छे से काम करना आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि उनको बाहर का एक्सपीरियंस हो, अगर इंडिया में भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा वो लोग भी इसमें कंसिडर किए जा सकते हैं, मेल फीमेल दोनों लोग। और एज लिमिट 22 साल से लेकर 48 साल के बीच में कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट काफ़ी अच्छी है, हाई प्रायोरिटी वाली रिक्वायरमेंट, इसलिए हमारे पास में 5 से 7 दिन नहीं रुकेगी, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकती है, 4 से 5 दिन के अंदर क्लोज होने के चांसेस हैं। इसलिए जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंट हमें ईमेल करें और हमारे ऑफिस में विजिट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें हमारे ऑफिस में विजिट करना कंपलसरी, उसके बाद ही इसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा। और तो जो लोग भी बाहर से हैं, कैंडिडेट आउट ऑफ गुजरात से हैं, वो लोग पहले अपने डॉक्यूमेंट ईमेल करें, ईमेल करने के बाद हमें फ़ोन करके इन्फॉर्म करें, या फिर ईमेल का सब्जेक्ट लाइन बराबर लिखें एप्लीकेशन फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर फॉर जापान, ऐसा करके सब्जेक्ट लाइन लिखें, और ईमेल करने के बाद एक हमें मैसेज या कॉल कर दें, तो उसके बाद हम उनके डॉक्यूमेंट को असेस करके इन्फॉर्म कर देंगे कि उनका प्रोसेस हो सकता है या नहीं। अगर उनका प्रोसेस होने के चांसेस होंगे, मैं उनको बोल दूंगा कि आपका प्रोफाइल एक्सेप्ट हो सकता है, आगे शॉर्टलिस्ट हो सकता है, तो फिर वो प्लान कर सकते हैं हमारे ऑफिस में विजिट करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कैंडिडेट का हमारे ऑफिस में आना कंपलसरी है, उसके बाद ही प्रोसेस आगे होगा, और कैंडिडेट का प्रोसेस डेफिनेटली होगा अगर उसके अंदर स्किल्स है तो, राइट? इसमें CV सिलेक्शन के द्वारा होगा, इसलिए डॉक्यूमेंट बराबर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।